Hello everyone, welcome to the new series of Excel, that is Power Query in Excel. So number of people use Excel, actually they are using, उन्होंने advanced Excel भी use किया रहेगा, but the Power Query is one of the most powerful tool in Excel. Okay, तो बोचन को लगता रहेगा Power Query is a part of Power BI, Power Query is a part of Power Pivot. Yes, Power Query is a part of Power BI, but it is inbuilt function of in Excel. So let's start. First of all, I will give the introduction, brief, what you are going to learn and what is exactly the Power Query is about to be. So let's start. Power Query. So syllabus, what you are going to learn in Power Query. So please subscribe our channel and follow the series to stay tuned for every video of Power Query. Okay. So these all topics we are going to cover, that is introductions, how to transform the data or get the data, text function in Power Query, date, number function, most important functions in Power Query as append query and merge queries, then column from example, conditional column, important topics and functions, and there will be a case studies how you are going to transform the data. So what exactly the Power Query? Okay, so listen up. So what is Power Query? Power Query is an application for transforming and preparing the data. Okay, if you go for the Excel, actually in daily routine what you are going to use, so daily routine mein aap kya kar rahe hai, ek raw data le rahe, raw data might be in Excel rahega, might be in Access rahega, might be in Excel SQL rahega, might be on aapka web pe rahega, wahan se aapko data lena, all kind of data you can pull in Excel through Power Query. Okay, तो पुल करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं. प्रिपेयर मींस ट्रांसफॉर्म मींस व्हाट, द रॉ डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं एंड प्रिपेयरिंग द डेटा. प्रिपेयरिंग डेटा यानी टू प्रेजेंट द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए थ्रू द टेबल, पिवोट बोलो, ग्राफ्स बोलो या एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स यू वांट टू जनरेट, फॉर दैट वी आर प्रिपेयरिंग द डेटा. नाउ विद पावर क्वेरी यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम सोर्सेस यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग क्वेरी एडिटर. Now, using Power Query, a business intelligence tool offered by Microsoft Excel. Okay, क्या है business intelligence tool offered by Mike? यानी ये क्या हो गया, Excel का ही inbuilt plugins type में, या Excel के ही आपके menus में मिलेगा. Now हम लोग देखेंगे तो Power Query आपको लगेगा एक बहुत नया functions है या नया कुछ tools है Excel में. No, it is not like that one. It is the tool imbibed in Excel since 2010. एंड एक्सेल का 2010 वर्जन रिलीज हुआ, 2010 बाद में 13 रिलीज हुआ, तब से इट इज इन एक्सेल, बट रेयरली यूज बाय द नंबर ऑफ पीपल्स टू. नाउ यू कैन इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सोर्सेज, जैसा मैंने बोला, क्लीन इट डेटा एंड ट्रांसफॉर्म इट, देन रीशेप इट एंड अकॉर्डिंग टू यूर नीड्स. यानी क्या कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेरी में, क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन से भी सोर्स से, मैंने जैसे सोर्स बोला था, क्या क्या बोला था मैंने, SQL, Oracle, या मैंने Access, या कौन सा भी, अगर आपका यानी कुछ वेब फॉर्मेट है या आपका एप्लीकेशन है उसको कनेक्टिविटी देना है, तो थ्रू एनी काइंड ऑफ डेटा यू कैन पूल द डेटा. फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं. क्लीन कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, हम लोग के उसमें नल वैल्यूज रहेगा, दो तीन अलग अलग कॉलम्स में वैल्यूज रहेगा, या जो डेटा है उसमें से अलग कुछ चाहिए तो उसको क्लीनिंग ऑफ द डेटा बोलेंगे, ट्रिम वगैरह. ट्रांसफॉर्म द डेटा, ट्रांसफॉर्म इट यानी क्या कर रहे हैं, हम लोग को जो आउटपुट चाहिए, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मुझे डेट है लेकिन डेट में से मुझे क्या चाहिए, मंथ ही खाली चाहिए, सो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा. देन रीशेप इट, रीशेप इट यानी हम लोग को जैसा स्ट्रक्चरल फॉर्मेट आउटपुट लेने के लिए जैसा चाहिए उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रीशेप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, हम लोग को जैसा चाहिए. इन दिस वे यू कैन सेटअप अ क्वेरी एनी वंस, रीयूज इट लेटर बाय सिंपली रिफ्रेशिंग. मीन्स वॉट, देखो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, यू कैन सेटअप अ क्वेरी ओनली वंस. यानी हम लोगों ने एक बार डेटा पुल किया, समझ लो मेरा एक एक्स फोल्डर में मेरा डेटा है, उधर से मैंने क्या किया, एक्सेल फाइल का टेबल को मैंने पुल किया. नाउ उस पुल करने के बाद मैंने बहुत सारा क्लीनिंग प्रोसेस किया, ट्रांसफॉर्मिंग किया, उसको रीशेप किया. रीशेप करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम मुझे जैसा चाहिए उस फॉर्मेट मैंने लेके आके सेट करके रखा. नाउ नेक्स्ट टाइम मेरा डेटा बैकेंड में एक्स फोल्डर में अपडेट हो गया तो मुझे फिर से वही प्रोसीजर करना है क्या, नहीं, ये प्रोसीजर हम लोग क्या करना है, क्वेरी ओनली वंस, एक ही बार करना है एंड रीयूज आफ्टर बाय सिंपली रिफ्रेशिंग. यानी हम लोग क्या करेंगे बाद में उस क्वेरी को खाली राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने वाले, तो क्या हो जाएगा, डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका अपडेट हो जाएगा. ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा हाउ इट इज डन
As the name suggests, Power Query is the most powerful data automation tool found in Excel 2010 and later. So that is data automation. Automation means हम लोग एक बार हम लोगों ने सब प्रोसेस सेट कर दिया, बाद में हम लोग को क्या करना है उसको डायरेक्टली यूज करना. ओके, सो देर इज अ ना पावर क्वेरी अलाउज टू इम्पोर्ट द डेटा एक्सेल थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक टेक्स्ट फाइल, सीएसवी, वेब, एक्सेल वर्कबुक टू लिस्ट अ फ्यू. द डेटा कैन बी क्लीन एंड प्रिपेयर फॉर अवर रिक्वायरमेंट्स. ओके, हाउ टू इनेबल द पावर क्वेरी. सो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ एक्चुअली. सो हम लोग एक्सेल फाइल में जाते हैं. अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, सो आपको पावर क्वेरी को कुछ भी ट्रांसफॉर्म करने का जरूरत नहीं. जैसा डेटा में जाता हूँ, सो यहाँ पे ये वाला जो टूल है दैट इज आपका पावर क्वेरी बोल के हम लोग यूज़ करने वाले हैं. सो आई गेटिंग कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, होम टैब में, डेटा टैब में जा रहे हैं. डेटा टैब में कहाँ पे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा. जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डेटा कहाँ से भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे गेट डेटा आएगा. यानी हम लोग एक्सेल में पुल कर रहे हैं, क्वेरी में पुल कर रहे हैं डेटा, तो डेटा कहाँ कहाँ से पुल हो सकता है देखो. यानी फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पे देखो अलग अलग सोर्सेज दिख रहे हैं, एक्सेल वर्कबुक, टेक्स्ट, XML, JSON, PDF, फोल्डर, डेटाबेस, SQL सर्वर, एक्सेस डेटाबेस, ओके, एनालिसिस सर्वर्स, फ्रॉम Azure यानी डेटाबेस का सर्वर है, फ्रॉम अदर सर्विसेज वी कैन गिव द कनेक्टिविटी टू अदर सोर्सेज, ओपन डेटाबेस सिस्टम्स, ब्लैंक क्वेरीज एंड एवरीथिंग, देन हम लोग कवरेज. सो हम लोग जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक में लेता हूँ यहाँ से. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, और क्वेरी में जाता हूँ मैं. ओके, सो सिंपल कौन सा भी एक फाइल लेता हूँ, समझ लो इफ आई टेक द टेक्स्ट फाइल, इंपोर्ट कर दो. सभी ये टेक्स्ट फाइल जो है इसमें जितना भी डेटा रहेगा वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा. ओके, यानी सिंपल अगर मैं टेक्स्ट फाइल में जाता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे ओपन करता हूँ, आई विल शो समथिंग फॉर यू. समझ लो इसको मैं कैंसिल करता हूँ फिलहाल. ओके, इनेबल करना ना हम लोग का ये टेक्स्ट फाइल है. सो टेक्स्ट फाइल में हम लोग जाएंगे एक्चुअली. सो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके फोल्डर्स आ रहे हैं और फाइल्स आ रहे हैं, है ना. जैसा टेक्स्ट फंक्शन एक शीट है और इस शीट्स में जैसा मर्ज बोलता हूँ, तो ये आपका एक टेबल है एक्चुअली. जैसे टेबल डिज़ाइन बोल के आएगा, देखो टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो इसका नाम क्या है, टेबल मर्ज. सो ये क्या आपका मर्ज बोल के शीट है और उसमें टेबल मर्ज बोल के टेबल नेम है. नाउ मैं एक्सेल में जाता हूँ एक्चुअली और मैं पुल करता हूँ डेटा. सो गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्क बुक लिया मैंने और मैंने टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पर, इम्पोर्ट करता हूँ. ओके, जैसा मैंने बोला मर्ज बोल के मेरा क्या है, एक शीट है. सो ये देखो मर्ज बोल के शीट है. सो यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है और ये सिंबल, दोनों में फर्क दिख रहा है. ओके, सो दिस इज योर टेबल, हम लोगों ने जो टेबल बनाया वो टेबल है. एंड दिस इज योर शीट. सो ये जो सिंबल रहेगा जिसे नीचे देखो शीट ए वन ऐसा सिंबल आ रहा है, दैट इज ऑल कॉल्ड एज अ शीट. अगर यहाँ पे मर्ज करता हूँ तो इस शीट में खाली इतना ही टेबल है बोल के इतना ही दिख रहा है, लेकिन देखो इसको कॉलम वन कॉलम टू यानी हेडिंग ले रहा है क्या, नहीं. सो इट इज़ कंसिडरिंग एज अ रॉ डेटा विदाउट एनीथिंग. और यहाँ पे अलग शीट रहेगा तो और डेटा दिखेगा. लेकिन वही मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे टेबल मर्ज बोल के टेबल में चला जाता हूँ, सो इट हैज़ अ प्रफिक्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड टेबल. सो आप अगर शीट में हैं तो आप यानी डायरेक्ट टेबल, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, टेबल को इम्पोर्ट करना है. टेबल को इंपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टेबल में ये डेटा अपडेट हो जाएगा तो भी ये पुल हो जाएगा. समझ में आ रहे हैं हाउ टू पुल द डेटा. सो ये बाकी के ऑप्शंस में आगे के लेक्चर्स में बताता हूँ हाउ दिस आर टू बी. ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा नाउ, सो कहाँ से लेना है, कैसे, समझ में आया एग्जैक्टली पावर क्वेरी कहाँ पे रहेगा. ओके, नाउ पावर क्वेरी अलाउज, इसको देखो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में, आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे और कुछ कोई पूछेगा व्हाट इज पावर क्वेरी, तो स्टैंडर्ड आपको आंसर देना है इट इज अ ईटीएल टूल. ईटीएल मींस एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड. क्या है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड. ओके, सो व्हाट इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, मैं बताता हूँ एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक लिया मैंने और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से डेटा ले रहा हूँ. ओके, नो पहला चीज़ क्या किया मैंने, मैंने क्या किया डेटा को एक्सट्रैक्ट किया. क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया. एक्सट्रैक्ट यानी मेरा एक्सेल वर्कबुक था बोल के एक्सेल में से एक्सट्रैक्ट किया. वही मैं एसक्यूएल रहता तो एसक्यूएल के सर्वर से लेता, वही एक्सेस रहता तो एक्सेस के डेटाबेस फाइल से मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करता.
So extract means what? Pulling the data what I want from the sources. And it's simple. हम लोग को अगर आपको ऐसा दिखाना एग्जाम्पल तो अभी शो वेब थ्रू भी हम लोग कैसा ले सकते हैं. समझ लो हमारा फेवरेट प्लेयर लेते हैं हम लोग सचिन तेंदुलकर. ओके सचिन तेंदुलकर लिया मैंने और वहाँ पे उसका विकिपीडिया का डेटा लेता हूँ मैं यहाँ पे. ओके ना इसी विकिपीडिया के डेटा पे मैं जब जाता हूँ एक्चुअली सो उसमें क्या दिख रहा है मुझे देखो यहाँ पे टेबल्स दिख रहे बहुत सारे ना. मुझे ये वाला टेबल मुझे डेटाबेस के लिए चाहिए. व्हाट आई विल डू मैं क्या करता हूँ इस URL को कॉपी करके लेता हूँ. ओके नाउ एक्सट्रैक्टिंग द डेटा मीन्स व्हाट सो गेट डेटा फ्रॉम फाइल. अभी मुझे वेब से लेना है. क्या लेना है वेब. तो यहाँ पे फ्रॉम वेब डायरेक्टली आ रहा है नहीं तो फ्रॉम डेटाबेस अजूर फ्रॉम अदर सोर्सेस फ्रॉम वेब आ रहा है. देखो सो फ्रॉम वेब लिया मैंने. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है आपको URL खाली पेस्ट करना है और उसको ओके करना. नाउ इस URL में कनेक्ट करो एक्चुअली इसको इस URL में यानी उस ब्राउजर के पेज पे जितने भी टेबल्स रहेंगे क्वेरी क्या करेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा. ओके सो एक्सट्रैक्ट मीन्स व्हाट्स दैट इज पुलिंग द डेटा द वे वी वांट. ओके सो इट विल टेक लिटिल टाइम टू गेट कनेक्ट द डेटा विद योर वेब पेज एक्चुअली टू एक्सट्रैक्टिंग द डेटा. सो आफ्टर पुलिंग द डेटा हैज कम. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं कौन से यहाँ से हम लोग जब क्वेरी ने रन किया और पुल किया डेटा ही फाउंड सो मच ऑफ टेबल्स इन योर टेबल. ओके इन योर वेब. सो यहाँ पे देखो सचिन तेंदुलकर क्लिक कर दो तो ही फाउंड द पर्सनल इन्फो और ओ वाला टेबल उसने अलग से लिया. सो डॉक्यूमेंट सो मुझे क्या चाहिए उसके स्कोर वाला टेबल चाहिए. सो लेट्स फाइंड वेयर इट इज एग्जैक्टली. सो यहाँ पे देखो दिस इज द टेबल आई वॉन्ट. सो मुझे क्या चाहिए मैचेस कितना हो गया ODIF और उसका क्या रिकॉर्ड है 50s कितना मारा बॉल बॉलिंग कितना ये वाला रिकॉर्ड चाहिए. मीन्स क्या किया मैंने एक्सेल फाइल से डेटा लिया क्या. नहीं इट कैन द पुल द डेटा फ्रॉम वेब ऑल्सो फ्रॉम एक्सेल ऑल्सो फ्रॉम SQL ऑल्सो फ्रॉम CSV और एनी काइंड ऑफ थिंग्स. ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसको लोड कर सकते हैं लोड टू ट्रांसफॉर्म. सो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ. सो यू कैन पुल दैट इज एक्सट्रैक्टिंग द डेटा. सो पहला जो आपका जो मैंने बताया था सो इट इज कॉल्ड एज अ एक्सट्रैक्ट द डेटा देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म एंड लोड. ट्रांसफॉर्म एंड लोड यानी क्या जैसे मैं समझ दूँ यहाँ से मैंने क्या किया गेट डेटा समझ लो मेरा टेबल में ही जाता हूँ उधर से भी हम लोग एक्सट्रैक्ट समझ लो मेरा टेबल में से इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डेटा में जाता हूँ फ्रॉम टेबल रेंज लेना यानी मुझे एक्सटर्नल डेटा नहीं चाहिए इंटरनल डेटा है उसको ही मुझे क्या करना है क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन करना. तो मैं क्या करता हूँ टेबल एंड रेंज लिया तो सो उसने क्या किया यहाँ पे डायरेक्टली देखो पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया यानी दिस इज अ पावर क्वेरी एडिटर इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल. ओके मैंने क्या किया डेटा को एक्सट्रैक्ट किया आई कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा. ट्रांसफॉर्म द डेटा यानी वॉट एवर द मॉडिफिकेशन आई वॉन्ट आई कैन दैट इज कॉल्ड मैशिंग ऑफ द डेटा. मैशिंग यानी क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द डेटा. सो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पूरा. सो मुझे क्या करना है समझ लो सिंपल आपको मैं डिटेल में बाद में बता देता हूँ. समझ लो इसका मुझे कंबाइंड में नेम चाहिए. सो मुझे क्या करता हूँ ट्रांसफॉर्म देता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मर्ज कॉलम दे देता हूँ. मर्ज कॉलम में देता हूँ और यहाँ पे सेपरेटर में रखता हूँ स्पेस. ओके और यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं इसको आगे डिटेल में आपको सिखाने वाला हूँ. सो समझ लो मैंने नाम दिया उसको एक्चुअली फुल नेम. मेरा डेटा क्या हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया मीन्स मल्टीपल कॉलम में था. अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे मेरे दो टूल्स आपको बताया मैंने एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म. सो एक्सट्रैक्ट यानी हम लोगों ने पुल किया ट्रांसफॉर्म मैंने उन लोगों को मॉडिफाई किया. नाउ लोड लोड यानी क्या मुझे ये फाइनल आउटपुट मुझे मेरे एक्सेल शीट में. सो क्लोज एंड लोड दिया मैंने क्लोज एंड लोड दिया तो यहाँ पे टेक्स्ट मर्ज बोल के देखो अलग से समझ में आ रहा है यानी मेरा ओरिजिनल फाइल किधर है ये वाला और मैंने कंबाइन करके किधर फाइल आ गया टेक्स्ट मर्ज में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा कंबाइन फाइल आ गया समझ में. ओके सो इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड द डेटा फ्रॉम इट्स इज दैट क्लियर. सो कनेक्ट एंड ट्रांसफर. कनेक्ट यानी हम लोग क्या कर रहे हैं डेटा को वेब से एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कनेक्ट कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्म यानी क्या कर रहे हैं उसको हम लोग जो जो हम लोग को चेंजेस चाहिए वैसे चेंजेस कर रहे हैं. कंबाइन यानी मल्टीपल डेटा को एक साथ कनेक्ट करना रहेगा उसको हम लोग अपेंड और मर्ज क्वेरीज बोलते हैं. और बाद में हम लोगों ने जो लास्ट फंक्शन देखा दैट इज लोड द फंक्शंस. सो इधर तो क्लियर है एक्चुअली.
ओके सो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था यू कैन सेटअप क्वेरी ओनली वंस, रीयूज इट लेटर बाय सिंपली रिफ्रेशिंग। यानी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे भी नाम भी अलग अलग आ रहा है, सो ये मैंने एक क्वेरी सेटअप किया था। अभी यहाँ पे मेरे डेटा में क्या हो गया, और एक डेटा ऐड हो गया मिस्टर राहुल दमानिया। ओके अभी ये मेरा डेटा ऐड हो गया, सो ये डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके खाली क्वेरी को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो एक्चुअली नो इशू, यहाँ पे राइट क्लिक करूँ एंड रिफ्रेश द क्वेरी करना। देखो राहुल दमानिया ऑटोमेटिक विद नेम सेटअप आ गया। एंड हम लोग क्वेरी में क्या कर रहे हैं, वी विल सेट द क्वेरी ओनली वंस। हम लोग ने एक बार सेटअप किया, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं बाद में खाली रिफ्रेश करके यूज कर रहे हैं। ओके सो दैट्स इट ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर क्वेरी। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टेक्स्ट फंक्शंस ऑफ पावर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू लाइक इट वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।